हेलो, सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? हाँ जी, क्या हाल है जनाब? बड़े अरसे बाद डेरा बुगटी से आवाज आई है। टडी हमारे इलाके में आई है टिड्डी दल। दल किधर है? उधर पहुंच गई है? अच्छा, तो टडी, हाँ वो तो जाहिर है, उसने तो जो उसको सामने आए तो उसने तो नहीं देखना ना। जिस तरह एक वायरस है, ये कोरोना वायरस, उसने ये तो नहीं देखना होता कि वजीरे आजम है या कोई बड़ा सरदार है, बुगटी है कोई, वो सारे के सारे सारे लपेट में आ जाते हैं। तो ये भी जो होती है ना टिड्डी दल, इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं, आपने देखे होंगे। तो टड्डी दल जो है ये, इसके लिए आप ये तो बड़े पैमाने पे, जो पहले ये होता था कि बाकायदा एरियल स्प्रे किया जाता था जहाजों के जरिए, और इसके हो रहा है। हाँ, बस अल्लाह बेहतर करेगा जी। फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी जी अच्छा, जिगर में क्या था? ल्यूक वर्म तो नहीं था? हाँ जी, अच्छा, उसका, हाँ जी, फटाफट बताएं, पूछे पूछे। अच्छा, पहली तो भैंस का ये है कि अगर तो उसको अभी भी अलामात हैं जहरबाद की थोड़ी बहुत भी, तो ट्रोडेक्स का मैं हमेशा कहता हूं, दो ट्रोडेक्स के इंजेक्शन लगाएं। हैं? अब ठीक है, सिर्फ आप उठती नहीं है, उठ नहीं रही, उठ जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह फजल करेगा। उसको ये है कि आप उसको वो नेटाफा अपना वो लगाया तो नहीं है, कॉमिकल अपना क्या उसको कहते हैं, नेवाकॉक फोर्ट का मैं हमेशा कहता हूं कि वो अगर ना उठ रही हो, डायरिया लग जाता है, तो फिर इसको इंजेक्शन ताकत के लगा दें, एमीवाई कॉम के लगा दें या कैरासिल के लगाएं, 25 सीसी का रोजाना लगाएं। और गाय जो काटती है, हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ना अगर इस तरह का अगर को काटे या एबनॉर्मेलिटी फील करें आप, कई दफा वो देख लें, इसको किसी ने बावले कुत्ते वुत्ते ने तो नहीं काटा वो, इसको इस तरह करें, अगर ये बेचैन है, बहुत ज्यादा कर रही है इस तरह, तो इसको 3 टीके लगाएं। एक तो लगाएं निमटॉल का, निमटॉल का 3 दिन लगाएं लगातार, तो पता है ना 20 सीसी या 25 सीसी का लगेगा निम, बड़े जानवर को, ठीक है। और सोलन एम लगाएं इसको, और जेरे जिल्द लगाएं एक दफा सिर्फ, और आई वैक्ट का 2% का ये भी एक दफा लगा दें इसको। ये मेरी जान, 2 3 दिन के बाद आप मुझे मेरे साथ बात करें इंशाल्लाह ताला, आप कहेंगे कि यार कमाल हो गई है। के लिए दूध बढ़ाने के लिए मैंने
आपको बेशुमार दे रखे हैं, वंडे दे रखे हैं, लेकिन साथ है जो उन। मुजरा दो आपके हाथ से गुजरा हो, हाँ जी, मुजरा नुक्ता हो आपके हाथ से गुजरा हो। अच्छा हो, मेरे जितने भी लोग, ऐसी ऐसी कॉल्स हैं कि लोग कहते हैं कि कमाल हो गई है, हमारा दूध ही दूध इतना बढ़ गया है, और अगर ज्यादा उसका बढ़ाना है तो उसको दूध में रोजाना 2 लीटर दूध गाय का ले लें, और उसमें 100 ग्राम सफेद जीरा रात को भिगो दें बड़े जरा खुले बर्तन में, क्योंकि सुबह तक को मर्जी मर्जी है, वैसे भिगो दें, बॉयल करके भिगो दें, ठीक है, बॉयल करके भिगो दें सुबह खुले बर्तन में भिगोएं, फूल जाता है ये, और सुबह उसमें कोई पाव 1.5 पाव गुड़ डाल के, कोई 250 ग्राम गुड़ या शक्कर शक्कर मिला लें, अच्छी तरह मिला के ये इसको दें, ये 6-7 दिन देंगे, आप देखेंगे दूध कैसे बढ़ता है, साथ इसके और वंडा भी इसको जो होता है वो दें, और हाँ वो निट्टा फास 100 ग्राम देते रहें, बस बिस्मिल्लाह करके ये। और जो है ना, ये नहीं कि आपने, ये नहीं आपने करना कि वंडा वगैरह उसको बंद कर देना है, नहीं वो नहीं, वो तो गुलाब की पत्तियां तो दूसरी चीजें दी थी, अगर उसकी सफाई अंदर करनी हो, अगर ताजा सुई भी हो और उसकी सफाई हो, जेर वगैरह और सफाई, हाँ तो वो भले दे, वो दे बिस्मिल्लाह करके, नहीं, वो अलग है, ये दूध के लिए अलग मैंने बताया, वो जो उसको देना है मेरी जान, इस तरह ना करें, उसके लिए ये है कि मैंने जो अलसी और सफेद जीरा और हाड़ू और तीन चीजें, वो 7 गुलाब के फूल की पत्तियां, 250 ग्राम, 750 ग्राम मीठा सोडा, ये 4-5 चीजें हैं, ये सारी इसको रोजाना के हिसाब से 3 से लेके 5 दिन तक दें, इसकी सफाई बेहतरीन हो जाएगी, बाद में दूध बढ़ा लेना यार। किस चीज को? वो वैसे ही खिला दें, नहीं है अखबार में लपेट के दे दें यार, जिस तरह गुज्जर करते हैं, भले दूध में देना है, दूध में पानी में देना है, पानी में वैसे खुश्क दे दें तो ज्यादा बेहतर है, तो आप क्या, आप पहले बात करते रहे हैं कि जी वो डालनी है, इसका मतलब है आपने तो बिल्कुल कोई बात सुनते ही नहीं है, ना आप लिखते हैं, अगर नहीं लिख सकते, नहीं कर सकते तो मेरी बात सुन लें, कि अगर नहीं लिखना या रिकॉर्ड नहीं करना, मेरा वक्त जाया ना करें और अपना भी वक्त जाया ना करें प्लीज, ठीक है, 100 ग्राम सुन लो, एक दफा बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त यूरोप का टाइम है, यूरोप वाले लोग कॉल्स कर रहे हैं, ये 100 ग्राम ले लें सफेद जीरा, 100 ग्राम, 100 100 ग्राम, तीनों चीजें, 100 ग्राम सफेद जीरा, 100 ग्राम हाड़ू और 100 ग्राम अलसी, और 250 ग्राम या 1 पाव गुलाब के फूल की पत्तियां वो, और 50 ग्राम यानी एक छटाक, एक 50 ग्राम मीठा सोडा डाल लें, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें, वक्त जाया ना किया करें प्लीज, अल्लाह हाफिज, ओके अल्लाह हाफिज। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, कमजोर लोगों की वजह से अल्लाह तुम्हें रिज्क देता है और तुम्हारी मदद करता है, बुखारी से मैं कोट कर रहा हूं। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादे को इजाजत दें, फी मानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।